Hello friends, welcome to Tech Chat. This is Rajiv and today we will talk about difference between petrol engine and diesel engine. So basically petrol engine kya hota hai? Petrol engine petrol pe chalti hai and then diesel engine pe chalti hai. Petrol engine ki baat kare, petrol engine ke andar spark plug use hota hai and diesel engine ke andar hum compressed ignition engine use karte hai. Diesel engine, petrol engine ko hum स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं और डीजल इंजन को कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन भी बोलते हैं, जैसे कि आप टॉप पे देख सकते हो. एंड सक्शन की बात करें, सक्शन स्ट्रोक, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, चार स्ट्रोक्स होते हैं पेट्रोल या फिर डीजल की बात करो. पहला होता है सक्शन, देन कंप्रेशन, देन एक्सपेंशन, देन एग्जॉस्ट. सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट. तो सक्शन की बात करें, सक्शन स्ट्रोक पहला स्ट्रोक होता है. सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करते हैं, सक्शन में क्या होता है कि पेट्रोल और एयर का मिक्सचर सक करता है सक्शन स्ट्रोक के थ्रू. बट डीजल इंजन में क्या होता है, सिर्फ एयर आता है. पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आता है, डीजल इंजन में सिर्फ एयर आता है. देन पेट्रोल इंजन के अंदर हम कार्बोरेटर के यूज करते हैं, जो कार्बोरेटर एयर और पेट्रोल को मिक्स करके सक्शन स्ट्रोक के थ्रू अंदर भेजता है. बट डीजल इंजन के अंदर ऐसा कुछ कार्बोरेटर यूज़ नहीं होता, इसमें फ्यूल इंजेक्टर यूज होता है. फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल यहाँ पे स्प्रे होता है. अब स्पार्क प्लग का कब यूज़ होता है एंड देन डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का कब यूज होता है, मैं आपको बता देता हूँ. जैसे ही सेकेंड स्ट्रोक हमारा आता है, फर्स्ट सक्शन देन कॉम्प्रेशन. कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के अंदर, जैसे ही कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के अंदर हम बीडीसी बॉटम डेड सेंटर से सिलेंडर के अंदर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक टीडीसी तक पहुंचने वाले होते हैं, तो उसके 15 to 30 degree पहले क्या होता है, स्पार्क इग्निशन की वजह से क्या होता है, फ्यूल इग्नाइट हो जाता है. पेट्रोल और एयर का मिक्सचर इग्नाइट हो जाता है. वही सेम डीजल इंजन के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर वही सेम टॉप बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक पहुँचने से 30 डिग्री पहले क्या होता है, प्रेशर की वजह से जो एयर का जो प्रेशर होता है काफ़ी हाई हो जाता है. एंड देन वहाँ पे क्या होता है, फ्यूल इंजेक्ट हो जाता है. फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू वहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हो जाता है, वो बर्न हो जाता है. तो ये यूज है फ्यूल इंजेक्टर का डीजल इंजन के अंदर एंड कार्बोरेटर, ये सॉरी स्पार्क प्लग का पेट्रोल इंजन के अंदर. देन सेम एज मैंने अभी बात की, प्रेशर जो चाहिए होता है पेट्रोल इंजन के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो प्रेशर जो चाहिए होता है पेट्रोल इंजन के अंदर, पेट्रोल इंजन के अंदर 10 bar का प्रेशर चाहिए होता है. जो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर होता है उसको इग्नाइट करने के लिए उसको कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर 10 bar का प्रेशर चाहिए होता है. और बट सेम यही बात करें डीजल इंजन के अंदर, तो इसके अंदर 35 bar का प्रेशर चाहिए होता है डीजल इंजन के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर. कांस्टेंट वॉल्यूम और ऑटो साइकिल, डीजल पेट्रोल इंजन को हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर हमारा एयर और पेट्रोल का मिक्सचर यहाँ पे इनलेट वाल्व के थ्रू जाता है. देन इसको हम ऑटो साइकिल भी पे वर्क करता है ये. और डीजल इंजन की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं इसको, डीजल साइकिल भी बोलते हैं. कांस्टेंट प्रेशर के अंदर 35 bar का प्रेशर चाहिए होता है हमें इग्नाइट करने के लिए. कंप्रेशन रेशियो की बात करें, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, तो आप देख सकते हो. कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो में क्या होता है कि, चलो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कंप्रेशन रेशियो क्या होता है. टोटल जो वॉल्यूम का सिलेंडर होता है, वॉल्यूम का जो टोटल सिलेंडर होता है डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम, ओके. तो ये होता है कंप्रेशन रेशियो. कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, 6 to 10 होता है पेट्रोल इंजन का. एंड देन डीजल इंजन क्या क्या होता है, 15 to 25. एंड स्टार्टिंग इज इजी, पेट्रोल इंजन ऑब्वियसली स्टार्टिंग इजी होता है. क्यों इजी होता है, क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो काफ़ी कम होता है और ड्यू टू कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन जो होता है वो लाइटर होता है और चीपर होता है, ओके. एंड देन डीजल इंजन की बात करें तो इसकी कंप्रेशन रेशियो काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. और डीजल इंजन हैवी व्हीकल्स में यूज किया जाता है, जो भी हैवी व्हीकल्स हो गए, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, या फिर रोड रोलर्स हो गए, या फिर रोड बनाने के लिए, या फिर अर्थ मूविंग जो भी
मशीन्स वगैरह आप देखते हो, तो वो सारे हैवी व्हीकल्स के अंदर आते हैं, तो वो उसके अंदर डीजल इंजन यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि थर्मल इफिशियंसी जो होती है पेट्रोल इंजन की, वो कम होती है डीजल इंजन के कंपेयर में। थर्मल इफिशियंसी डीजल इंजन की 40 है, पेट्रोल इंजन की 26 है। ये बेसिकली मेन डिफरेंस है। थर्मल इफिशियंसी से क्या फ़ायदा होगा? इंजन जल्दी हीट नहीं होगा। अब थर्मल इफिशियंसी है तो हीट तो होगा ही इंजन, बट वो लंबे समय तक चल सकता है। हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, थर्मल इफिशियंसी 40% है। तो अब जो भी आप लॉन्ग रूट की जो गाड़ियाँ देखते हैं, बसेस वगैरह, ट्रक्स वगैरह, हैवी व्हीकल्स जो भी है, तो वो डीजल इंजन पे वर्क करती है क्योंकि उनकी थर्मल इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। बट ये शॉर्ट रूट की जो गाड़ियाँ होती है, थर्मल इफिशियंसी इन द सेंस पेट्रोल इंजन जो होती है, पेट्रोल इंजन उसकी थर्मल इफिशियंसी कम होती है। दीज आर हाई स्पीड इंजन, ऑब्वियसली पेट्रोल इंजन हाई स्पीड इंजन है क्योंकि लाइट व्हीकल्स के अंदर इसलिए यूज़ होती है। कार्स वगैरह के अंदर आप देखोगे पेट्रोल इंजन ही यूज होता है, डीजल इंजन ऑब्वियसली नहीं यूज होता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन जो होता है कि स्पीड प्रोवाइड करता है, आरपीएम ज़्यादा हमें प्रोवाइड करता है, टॉर्क हमें पेट्रोल इंजन कम प्रोवाइड करता है, हॉर्स पावर भी हमें पेट्रोल इंजन ज़्यादा प्रोवाइड करता है। और इससे में जहाँ डीजल इंजन की बात करें तो लो स्पीड इंजन है, बट डीजल इंजन हमें टॉर्क ज़्यादा देता है, टॉर्क हमें ज़्यादा प्रोवाइड करता है डीजल इंजन, हॉर्स पावर कम और आरपीएम भी कम प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें टॉर्क हमें ज़्यादा चाहिए होता है बसेस ट्रक्स वगैरह के अंदर। क्या हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए, आरपीएम हमें ज़्यादा चाहिए, तो आरपीएम थोड़ा हो जाता है, तो इसमें टॉर्क के लिए ज़्यादा यूज करता है डीजल इंजन। देन डीजल इंजन लाइट व्हीकल्स के अंदर हैवी व्हीकल्स के अंदर डीजल इंजन यूज किया जाता है, ट्रक्स बसेस वगैरह आप देख सकते हो, अर्थ मूविंग हैवी व्हीकल्स। एंड देन डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन आप यहाँ पे देख सकते हो लाइट व्हीकल्स के अंदर, जैसे स्कूटर्स, ट्रक्स, बसेस वगैरह, सॉरी कार्स वगैरह, तो इन सारे चीज़ों के, गाड़ियों के अंदर, व्हीकल्स के अंदर हम पेट्रोल इंजन का यूज करते हैं। पेट्रोल इंजन का इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि पेट्रोल इंजन लाइटर होता है, कंप्रेशन रेशियो इसका कम होता है, इस वजह से पेट्रोल इंजन लाइटर भी होता है और डीजल इंजन थोड़ा हैवियर होता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, जैसे कि आप कभी भी किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो तो पेट्रोल इंजन की गाड़ी होती है या फिर डीजल इंजन की गाड़ी होती है, कार की बात कर रहा हूँ, अगर पेट्रोल इंजन की कार है तो आप सडन अगर ओवरटेक कर रहे हो किसी गाड़ी को, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, अगर गाड़ी आपकी स्लो है, सडन आपको टॉर्क चाहिए, तो आप सडन उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे। बट वही अगर डीजल इंजन की कार है आपके पास, तो सडन आप टॉर्क प्रोवाइड करके और ओवरटेक कर सकते हो, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है, इस वजह से हमें ओवरटेक करने में डीजल इंजन हेल्पफुल रहता है। जब हम स्पीड में नहीं रहते हैं, स्लो में रहते हैं, देन हमें ओवरटेक करना है, तो डीजल इंजन काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के अंदर। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस के लिए हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।